आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए जिस पर मैंने फर्जी हस्ताक्षर किए थे। नियम पुस्तिका में कहा गया कि कोई भी सांसद किसी भी समिति के गठन के लिए नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है उसके न तो हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और न ही लिखित सहमति की, लेकिन झूठ फैलाया गया कि फर्जी सिग्नेचर किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सांसदों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली एनसीटी संशोधन विधेयक को सिलेक्ट समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव में उनके नाम का उल्लेख किया है। राघव ने कहा कि मुझे उन सांसदों के खिलाफ भी कोर्ट और विशेषाधिकार समिति में शिकायत दर्ज करानी होगी जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके फर्जी सिग्नेचर करवाए गए थे। राघव ने आरोप लगाया कि राहुल जैसे सदस्यता खत्म करने की कोशिश है, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है, यह रूल बुक लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, जैसे राहुल गांधी जी की मेंबरशिप छीन ली, हमारे दो सांसद संजय सिंह जी, सुशील कुमार, रिंकू जी, दोनों को सस्पेंड कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक ऑफ किया जाता है। अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़े मंत्री उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बैठ जाओ चुप करके। इस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल लगाने का प्रयास बीजेपी इस देश में कर रही है, और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो यह फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है यह सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और यह मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर
जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज।